अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके सामने लेआउट नंबर 2 बनाने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो सीरीज़ में कम से कम 5 लेआउट्स बनाऊँगा, तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना काम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट आप अपना जो लेआउट है उसको बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उनके लिए एक अच्छा इनिशियल स्टेप है। आगे चलते हैं और मैं काम शुरू करता हूँ। काम शुरू करने से पहले मुझे ये कलर स्कीम रिक्वायर्ड होगी और मैं इसकी एक स्ट्रिप जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास इस इमेज की। उस स्ट्रिप को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे एज़ यूजुअल, जैसे मैं एक मेन रैपर बनाया करता हूँ जो कि एक मेन कंटेनर होता है, वो मैं रैपर बनाऊँगा और उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक कलर रिक्वायर्ड होगा। तो जिस कलर का रैपर मैंने पिछले पेज पे बनाया हुआ था, मैं सेम उसी कलर का रैपर यहाँ पे भी बनाऊंगा। ये मेन पेज रैपर आ गया और इसकी जो HTML है वो भी मैं एक साइड पे लिख देता हूँ। ID रैपर और उसके बाद इसमें कंटेनर आ जाएगा। और कंटेनर को भी मैं कलर कर देता हूँ और कलर कर देने के बाद कंटेनर की जो HTML है वो भी एक साइड पे लिख देता हूँ। एक्चुअली ये हेडर है। ये हेडर वाला पार्ट था और हेडर वाले पार्ट के बाद नीचे बैनर वाला पार्ट आ गया। अब जो उसकी उसका पार्ट है उसको मैं बना देता हूँ। यहाँ पे हेडर आ जाएगा, सॉरी ये बैनर है असल में, और इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। ये भी कलर हो गया। इसके कलर हो जाने के बाद अब जो इसके नीचे वाला पार्ट आता है वहाँ पे 3 सर्कल्स आएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि टाइम बचाने के लिए जो पीछे मैंने सर्कल्स बनाए हुए थे उनको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास सर्कल्स अवेलेबल हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सर्कल्स आ गए। सर्कल्स आ जाने के बाद जो इनकी मार्कअप बनती है वो मैं मार्कअप लिख देता हूँ। एक्चुअली जो सर्कल्स हैं इनका एक स्पेसिफिक कंटेनर होगा। मैं एक और डिप बना लूँगा जो कि इनको कंटेन करेगा और वो जो कंटेनर है मैं भी उस तरफ आता हूँ। सबसे पहले जो लाइट्स है, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको मैं अप्लाई कर दूँ। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसका जो भी स्पेसिफिक कंटेनर बनता है, अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ। लेट सपोज ये ब्लैक कलर का मैं कंटेनर बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर आप काफ़ी अगली लग रहा है, लेकिन डू नॉट वरी, ये जो कलर आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये जैसे ही ये लेआउट कंप्लीट होता है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। और आप यहाँ पे मुझे कह सकते हैं कि मैंने ये जो सर्कल्स हैं इनको कंटेनर के अंदर क्यों रखा। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि एक जैसी चीज़ें आप कंबाइन करके एक कंटेनर के अंदर रखें, आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आप देखते हैं नीचे एक ग्रिड्स बनेंगे। ये वाला पार्ट जो है ये ग्रिड का है, ये ग्रिड बनेंगे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेने के बाद अपने पास पेस्ट कर देता हूँ। ये ग्रिड वाला पार्ट आ गया। तो ग्रिड पे जाने से पहले जो सर्कल्स का जो कंटेनर है उसको जो मैंने ID साइन करनी है वो मैं ID भी साइन कर देता हूँ। सर्कल कंटेनर और उसके बाद नीचे ग्रेड वाला पार्ट है। अब मैं उसका भी रैपर बना देता हूँ और
उसका जो रैपर है, मैं इस दफ़ा उसके लिए कलर कोई डिफरेंट सा चूज़ कर लेता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ये उसका रैपर है ग्रीन कलर का। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ऊपर वाला बॉर्डर आ रहा है वो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा जो ब्लैक कलर का है, तो उसी तरह जो नीचे ग्रीन वाला बॉर्डर आ रहा है ये भी रिमूव हो जाएगा। अब जो ग्रीन वाला बॉर्डर है इसको भी मैंने आईडी देनी है, ये भी कंटेनर है। इसको मैंने बॉक्स कंटेनर के नाम से आईडी दे दी। और उसके अंदर जो बॉक्सेस आ रहे हैं अब मैं उनकी तरफ आता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं आईडी यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्लास सिलेक्टर में इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं सब पे सेम स्टाइल में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब भी आप सेम स्टाइल एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो सजेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे आप क्लास सेलेक्टर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ आईडी सेलेक्टर। मैं यहाँ पे लिख दूँगा बॉक्स, मैंने बॉक्स की क्लास असाइन कर दी। और यही काम मुझे ऊपर सर्कल के साथ भी करना पड़ेगा, तो मैं इस पार्ट को भी फिक्स कर देता हूँ। बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर आईडी लिख गया था। डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देने के बाद मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ। अब ठीक हो गया। ओके, अब जो नीचे वाला पार्ट है नीचे फुटर आ जाएगा। अब फुटर जो है मैं उसके कलर कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद उसको नीचे बना देता हूँ। ये यहाँ पे नीचे फुटर आ गया। जो फुटर है उसमें मैं कलर भी कर देता हूँ और देखिए लेआउट जो है वो रेडी हो गया। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पीछे जाकर मैं इसको कोड करता हूँ। कोड करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया हूँ, जो इसकी एचटीएमएल है मैंने वो भी लिखनी थी। आई मीन फुटर की एचटीएमएल। फुटर और ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ। टेक्स्ट एडिटर पे जाके सबसे पहले मैं अपने रूम की लाइट ऑन कर लूँ क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और उस फाइल को मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के लिए मैं कोई डायरेक्टरी बनाऊँगा। जो मेरी फर्स्ट फाइल है उसका मैं नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखूँगा और जो मेरी सेकंड फाइल है वो एक सीएसएस फाइल है और उसको मैं पब्लिक के नाम से एक डायरेक्टरी बनाऊँगा और पब्लिक के नाम से जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बनाऊँगा सीएसएस के नाम से। जो सीएसएस फाइल है उसको इस सीएसएस की डायरेक्टरी के अंदर रखूँगा। CSS वाली जो डायरेक्टरी है यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट रख दूँ ताकि मुझे जो मैं मोज़िला डेवलपर टूल्स यूज़ करूँगा ये वहाँ पे नज़र आ सके। चलिए मैं यहाँ पे HTML जनरेट करवाता हूँ। HTML जनरेट हो गई और उसके बाद जो लाइन नंबर 4 है वहाँ पे जो करेक्टर इनकोडिंग है उसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ। करेक्टर इनकोडिंग जो है वो UTF-8 है और ये हर HTML पेज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसको आप लाजमी इंक्लूड करें। उसके बाद जो टाइटल है वो लेआउट नंबर 2 है। और उसके बाद जो लिंक, इसके बाद जो मैंने स्टाइल शीट बनाई थी एक्सटर्नल स्टाइल शीट उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। उसको मैं लिंक कैसे करूँगा, वो पब्लिक के अंदर
एक सी एस एस के नाम से डायरेक्टरी है और उसके अंदर फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, और ये मैंने सक्सेसफुली लिंक कर दी। अब वापस आते हैं अपने इमेज की तरफ। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने क्या बनाना है, सबसे पहले मैंने एक डिव टैग बनाना है जिसको मैंने आईडी देनी है रैपर। रैपर के नाम से मैंने उसको आईडी दे दी। और अब जो रैपर है, रैपर के अंदर सबसे पहले हेडर आता है, तो अब मैं यहाँ पे एक हेडर बनाऊंगा। मैंने हेडर बना दिया। हेडर बनाने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है वो बेसिकली बैनर का पार्ट है, तो बैनर वाला पार्ट मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। मैंने इसका जो कलर है वो कलर पिक से पिक कर लिया, और पिक कर लेने के बाद आईडी बैनर, इसको मैंने बैनर के नाम से एक आईडी दे दी। तो हेडर के बाद मैंने बैनर बनाना है, तो बैनर के लिए मैं हेडर के बाद यहाँ पे एक टैग क्रिएट करता हूँ जो कि डेफ होगा, उसको मैं आईडी दे देता हूँ बैनर। बैनर के बाद नीचे एक पार्ट आता है जो कि सर्कल कंटेनर है। अब मैं उस सर्कल कंटेनर पे आता हूँ, और वो जो सर्कल कंटेनर है उसके अंदर तीन सर्कल्स आ जाएंगे। कंटेनर और इसके अंदर तीन सर्कल्स आ जाएंगे, और जो तीन सर्कल्स आएंगे उन्हें मैं क्लास असाइन कर देता हूँ, और मुझे इस लाइन को कॉपी करके दो दफ़ा पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट पेस्ट, क्योंकि मुझे तीन सर्कल्स रिक्वायर्ड थे। ओके, ये सर्कल वाला पार्ट हो गया। अब सर्कल से नीचे ये जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, बॉक्स कंटेनर, अब ये पार्ट आ जाता है। अब बॉक्स कंटेनर है, उसके अंदर छः बॉक्सेस आ रहे हैं, तो अब मैं इस पार्ट पे आता हूँ। जो सर्कल है, सर्कल के कंटेनर के बाद आता है ये, देखिए यहाँ पे जो ऊपर सर्कल कंटेनर है उसके बाद आगे बॉक्स कंटेनर आता है। डिव आईडी बॉक्स कंटेनर, बॉक्स कंटेनर के अंदर जो है कुछ बॉक्सेस आ जाएंगे, और इस लाइन को मैं आगे 5 times पेस्ट कर देता हूँ। ये बॉक्सेस आ गए, और ये बॉक्सेस आ जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का कंटेनर है उस कंटेनर के बाद नीचे फुटर आ रहा है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रही, सारा कुछ क्लियर हो गया, और मैंने कितने आराम से इसका कोड लिख लिया। डिव आईडी फुटर, परफेक्ट। अब मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ अपने पास, और मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन हो रही है। गूगल क्रोम में इसलिए ओपन हुई है क्योंकि गूगल क्रोम मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, मेरी जितनी भी फाइल्स हैं उनको वो ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है, जितनी भी HTML फाइल्स हैं। उसके लिए मुझे ये लिंक चाहिए होगा अगर मैं इस फाइल को किसी और जगह पर ओपन करता हूँ, आई मीन मोज़िला फायरफॉक्स में किसी और ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। लेकिन इस वीडियो लेसन में मैं मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करूँगा क्योंकि उसके मैंने डेवलपर टूल्स यूज़ करने हैं ताकि इसको फटाफट कंप्लीट कर सकूँ। तो मैंने ये URL कॉपी कर ली। URL कॉपी कर लेने के बाद मैंने गूगल क्रोम जो है उसको मिनिमाइज़ कर दिया, और मोज़िला फायरफॉक्स ओपन कर लिया, और जो मेरी फाइल की URL थी उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गई। अब यहाँ पर मैं डिवेलपर टूल्स को ओपन करने जा रहा हूँ। तो पीछे कुछ लोगों ने ट्यूटोरियल्स देखे थे और वो कंफ्यूज थे कि जो मोज़िला फायरफॉक्स के टूल्स हैं, डेवलपर टूल्स, उनको ओपन कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब आप ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे। आप मोज़िला फायरफॉक्स पे आ गए, आपने यहाँ पे ऊपर URL पेस्ट कर दी, पेस्ट करने के बाद आपने एंटर की हिट कर दी। एंटर की प्रेस कर देने के बाद नीचे अभी देखें यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जितने भी आपको डिव टैग्स नज़र आ रहे हैं उनके अंदर कोई कॉन्टेंट नहीं पड़ा हुआ, वो खाली हैं, सारे के सारे एम्प्टी हैं, इसलिए आपको पेज पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद नीचे सबसे बॉटम पे लिखा आ रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर देंगे। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जब ये डेवलपर टूल्स ओपन होंगे
इस तरह से नीचे आ रहे होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर देता हूँ। आपके पास जब भी डेवलपर टूल्स ओपन होंगे वो इस तरह से ओपन होंगे, नीचे इस तरह से आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो ऊपर इसका मेन्यू है, ऊपर जो क्लोज़ का बटन है उसके नीचे मेन्यू है, वहाँ पर क्लिक करें और नीचे आप डेवलपर पर चले जाते हैं। अगर मैं वहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्टाइल एडिटर, मुझे स्टाइल एडिटर रिक्वायर्ड है, समय मैंने स्टाइल एडिटर पर क्लिक कर दिया तो ये देखें डेवलपर टूल्स फिर भी नीचे आ गए। तो आप किसी भी तरह से ओपन कर सकते हैं। मैं पेज पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ, इसको एक दफ़ा फिर ओपन करता हूँ ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। स्टाइल एडिटर ओपन हो गया, अब मैंने स्टाइल एडिटर पे जाना है। एक्चुअली ये जो डेवलपर टूल है ये ओपन हुआ है और यहाँ से मैंने स्टाइल एडिटर पे जाना है। अभी मैं इंस्पेक्टर के अंदर हूँ तो मैंने यहाँ से स्टाइल एडिटर पे जाना, मैंने स्टाइल एडिटर पे क्लिक किया और मैं स्टाइल एडिटर पे आ गया। देखें जो मैंने अपनी स्टाइल शीट पे टेक्स्ट लिखा हुआ था ऑथर और उसके आगे मैंने असल लिखा हुआ था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे नज़र आ गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये टेक्स्ट ना लिखा हुआ होता तो मुझे ये इस साइड पे स्टाइल शीट नहीं क्रिएट करना पड़नी थी, फिर मुझे यहाँ से सेव करना पड़ना था और वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये वाला काम किया। अब पिछले दिनों मेरा ट्यूटोरियल किसी भाई साहब ने देखा था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये जो डेवलपर टूल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं ये आते कहाँ से हैं और ये आपकी जो विंडो है वो तो अलग से होती है। तो अलग इस तरह से होती है कि ये साइड पे आप बटन देख रहे हैं, ये मैं कर्सर उसके ऊपर लेके गया हूँ तो नीचे मैसेज लिखा हुआ आ गया है शो इन सेपरेट विंडो, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरे डेवलपर टूल है वो एक सेपरेट विंडो में शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है तो मैं उसका साइज़ एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आता है। ओके तो जितने भी लोग जो कि अभी लर्न कर रहे हैं, जो अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, ये टूल उनके लिए अच्छा नहीं है। मैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो ये टूल यूज़ करें, इस मदद से काम करें, वो इसके बगैर काम करें, वो डायरेक्टली जो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं या वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या कोई भी टेक्स्ट एडिटर ड्रीम व्यूअर के अलावा यूज़ कर रहे हैं उस पर वो कोड खुद से लिखें। खुद से तो मैं भी यहाँ पर लिखूँगा लेकिन वो ये टूल यूज़ मत करें, ये टूल उनके लिए अच्छा नहीं है। ये टूल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको अच्छा खासा काम आ चुका है, और जब काम आ जाता है, जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट के दौरान अगर आप ये टूल यूज़ करते हैं तो आपका काम अच्छा खासा स्पीड अप हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपने CSS के रूल्स लिखना शुरू करता हूँ। जो सबसे पहला रूल है वो रीसेट रूल है और जो रीसेट रूल है उसमें मैं मार्जिनस और पैडिंग्स को ज़ीरो कर दूँगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पेज पर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी डिप टैग्स हैं, उसके अलावा और जो जितने भी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, इनिशियली सबका मार्जिन और सबकी जो पैडिंग है वो ज़ीरो हो जाए। अगर उन पर कोई बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग या मार्जिन आ रहे हैं वो ज़ीरो हो जाए, इस रूल का ये मतलब है। मैं लाइन नंबर 3 पे आता हूँ। लाइन नंबर 3 पे आके तो मैं रैपर को टारगेट करता हूँ। रैपर जो है उसका एक स्पेसिफिक कलर था, उसका कलर जो है उसके लिए, उसको गेट करने के लिए मैं W3 स्कूल पर जाऊँगा। मतलब मोस्टली मैं W3 स्कूल पे जाता हूँ, W3 स्कूल पे जो कलर पिकर अवेलेबल है मैं वो कलर पिकर यूज़ कर लेता हूँ। जो रैपर था आई गेस उसका ये कलर था, बॉर्डर सॉलिड और ये रैपर का कलर आ गया। रैपर का कलर आ जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करूंगा। नेक्स्ट काम क्या है, मैं हेडर को टारगेट करूंगा। अब हेडर जो है उस पर बैकग्राउंड कलर आएगा, उस बैकग्राउंड कलर के लिए मैं फिर से पीछे जाता हूं और बैकग्राउंड कलर चूज कर लेता हूं। एग्जैक्ट यही बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर आ गया, इसको मैं कुछ हाइट दे देता हूँ, हाइट 100 pixels। एक्चुअली जो कलर था वो मैं कॉपी नहीं कर सका हेडर का, और फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट। ओके तो ये हेडर आ गया। अब हेडर के नीचे क्या आ रहा है, हेडर के नीचे बैनर आ रहा है। सुनो अगर मैं आपको इमेज पे दिखाता हूँ, ये देखें
हेडर के नीचे बैनर आ रहा है। जो बैनर है, अब मैं बैनर को टारगेट करता हूँ, बैनर बैकग्राउंड कलर, मैं वापस जाता हूँ, वापस जाके तो बैनर पे जो भी कलर आ रहा है अब मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इमेज ओपन करता हूँ तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है असल में। मैं कलर की फैमिली चेंज कर देता हूँ और उसकी थोड़ी सी डार्कर टोन की तरफ आ जाता हूँ। चलें यही कलर चूज़ कर लेते हैं, इट्स ओके। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कुछ हाइट भी दे देता हूँ, बल्कि 300 पिक्सल्स कर देता हूँ, 400 भी चले, 300 इनफ है, 300 पिक्सल्स। अच्छा 300 पिक्सल्स इसको हाइट देने के बाद और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ। मैंने नेक्स्ट काम क्या करना था, नेक्स्ट काम में मैंने जो नीचे कंटेनर है और उसके अंदर सर्कल्स आने थे, जो कि सर्कल्स के कंटेनर है, अब मैंने उसको टारगेट करना था। अब मैं यहाँ पे सर्कल का जो कंटेनर है उसको टारगेट करता हूँ और उस पर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। सर्कल कंटेनर बॉर्डर सॉलिड, देखें यहाँ पे मैंने कलर बॉर्डर में कोई भी मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो आ रहा होता है वो ब्लैक आ रहा होता है इसका। ओके तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ, इसकी विड्थ मैं रिड्यूस कर देता हूँ, विड्थ 80%। विड्थ 80% करने के बाद मैं इसको पेज के सेंटर में ले आता हूँ, मार्जिन 70 पिक्सल्स, ऑटो मार्जिन 70 पिक्सल्स का मतलब ये है कि मार्जिन टॉप और बॉटम पे 70 पिक्सल्स ऐड कर दो। और ये जो साइड पे ऑटो आ रहा है, ऑटो का मतलब ये है कि राइट और लेफ्ट साइड है ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दो। तो जो मेरा कंटेनर है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये देखें। अब जो मेरा कंटेनर पेज के सेंटर में आ गया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, उसके अंदर मैंने सर्कल्स बनाने हैं, सर्कल्स को टारगेट करना है। अब मैं सर्कल्स को टारगेट करता हूँ, तो सर्कल्स को टारगेट करने से पहले मैं उनका कलर जो है वो पिक कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये कलर आ रहा है, और अगर मैं डब्ल्यू जी स्कूल्स पर जाता हूँ, वहाँ पर जाकर देखता हूँ इनका एग्जैक्ट कलर क्या बन रहा है, आई गेस ये कलर बन रहा है। कलर कॉपी कर लिया, कलर कॉपी कर लेने के बाद अब मैं सर्कल्स को टारगेट करता हूँ। तो सर्कल्स को टारगेट करने से पहले मैं जो मेरी स्टाइल शीट है उसको मैं ऊपर टॉप पे मूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रूम नहीं है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल विड्थ 250 पिक्सल्स, हाइट 250 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर जो मैंने भी कॉपी किया था बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इन इसको मैंने, ये जो नीचे मेरे पास स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं सर में, इनको मैंने परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, आसान काम है, उसके लिए मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। ये जो मैंने डैश उसके बाद मॉज उसके बाद डैश लिखा है, ये प्रीफिक्स है, ब्राउज़र की प्रीफिक्स है, ब्राउज़र की प्रीफिक्स को यूज़ किया जाता है ताकि आप जो भी रूल्स लिख रहे हैं अगर वो किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करते हैं तो इन प्रीफिक्सेस की वजह से वो जो उसकी स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाए, वो कंपेटिबल हो जाए। ये कंपेटिबिलिटी के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं मोज़िला फायरफॉक्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मुझे ज़्यादा देना होगा, लेट सपोज मैं 100 पिक्सल देता हूँ। एक्चुअली मोज़िला फायरफॉक्स पे ये देने की ज़रूरत नहीं है, मोज़िला फायरफॉक्स पे देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने 100 पिक्सल्स इसको बॉर्डर रेडियस तो दे दिया लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, लिहाजा जो बॉर्डर रेडियस है मैं बढ़ा देता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो 200 पिक्सल देखें परफेक्ट है, वो परफेक्ट सर्कल्स बन गया। अब परफेक्ट सर्कल्स बन जाने के बाद मैं नेक्स्ट काम करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि ये जो सर्कल्स बन चुके हैं इनको साइड बाय साइड लेके आना है, जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इनको साइड बाय साइड लाने के लिए
मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा फ्लोट वाला जो वीडियो लेसन है वो देख चुके हैं और आपको फ्लोट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हैं और आपका अच्छा खासा कंट्रोल है फ्लोट पे। क्योंकि अगर आपका फ्लोट पे कंट्रोल नहीं है तो आपका जो लेआउट है, अगर आप उस पर फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा काम आपका मैसअप हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फ्लोट का अच्छा इस्तेमाल आना चाहिए। चलिए खैर, मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। फ्लोट लेफ्ट कर देने के बाद कंटेनर आप देख सकते हैं, इसका कंटेनर श्रिंक कर गया है। कंटेनर श्रिंक इसलिए किया है, मैं फ्लोट वाली चीज़ रिपीट कर देता हूँ, आप जब भी किसी एलिमेंट को फ्लोट करते हैं वो पेज के नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल जाता है। देखें, अगर मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी रिमूव करता हूँ तो कंटेनर वापस अपनी शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, कंटेनर वापस अपनी शक्ल में आ गया, यानी कि कंटेनर का बॉर्डर इन इन सर्कल्स के चारों तरफ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्या हुआ, जो मेरे सर्कल्स हैं इस टाइम पे वो फ्लोटेड एलिमेंट बन चुके हैं और वो इस टाइम पेज के नॉर्मल फ्लो से निकल चुके हैं। जब वो पेज के नॉर्मल फ्लो से निकले तो उनका जो कंटेनर है वो श्रिंक कर गया है। उनका कंटेनर जो है इस टाइम पे एज्यूम कर रहा है कि जो सर्कल्स हैं ये उसके चाइल्ड एलिमेंट नहीं है अब, यानी कि वो ये समझ रहा है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए थे अब वो उसके चाइल्ड एलिमेंट नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन पर मैंने फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है और ये फ्लोट की प्रॉपर्टी का साइड इफेक्ट है। इसको फिर फिक्स भी किया जाता है। तो अभी इसको फिक्स करने की तरफ मैं आता हूँ। अभी जो मेरे सर्कल्स हैं, मैं चाहूँगा कि इनके दरमियान में कुछ मार्जिन भी आ जाएँ। तो मैं मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँगा। मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स, आई गेस ये 50 पिक्सल से मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, मेरे पास रूम अवेलेबल है। 70 पिक्सल्स, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 70 पिक्सल्स है वो बिल्कुल ठीक है, 70 पिक्सल्स। और अब मैंने फ्लोट को फिक्स करना है। फ्लोट जो है इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। और जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ, आपको सजेस्ट करूँगा आप सेम वही टेक्निक फॉलो करें। क्योंकि जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको सजेस्ट किया जाता है। क्रॉस ब्राउज़र सपोर्टेड है ये, मतलब किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर लें, इफेक्ट तमाम ब्राउज़र में सेम आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे फ्लोट को क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा कंटेंट, उसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक लिखने के बाद मैं लिखूँगा क्लियर बोथ। देखिए, जैसे ही मैंने क्लियर बोथ लिखा फ्लोट क्लियर हो गया, और फ्लोट क्लियर होते ही जो कंटेनर है वो अपनी जगह पर आ गया और कंटेनर फिर से ज़ूम करने लग गया कि ये जो सर्कल्स हैं ये उसके चाइल्ड एलिमेंट हैं। और आपको इस चीज़ का तो पता है कि जैसे जैसे आप किसी एलिमेंट के अंदर कंटेंट ऐड करते हैं तो उसके अंदर जैसे जैसे कंटेंट आता है तो उसकी हाइट ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इस वक्त देखें, जो कंटेनर है, जैसा कि मैंने कंटेनर पे यहाँ पे कोई भी ऊपर हाइट अप्लाई नहीं की हुई है, तो कंटेनर की हाइट डिपेंडेंट है किस पे, उसके इंटरनल एलिमेंट्स पे, उसके चाइल्ड एलिमेंट्स पे। तो कंटेनर यहाँ पे ग्रो कर गया। अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये पार्ट क्लियर हो जाने के बाद जो मैंने बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ की थी कंटेनर पे, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस पे मेरे अंदाजे के मुताबिक जो विड्थ है इसकी, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। विड्थ बढ़ाने के बाद अब जो सर्कल्स हैं, सर्कल्स में मैं मार्जिन भी बढ़ा सकता हूँ। सर्कल्स में मैंने मार्जिन भी बढ़ा दिया है, इसकी विड्थ और भी बढ़ाई जा सकती है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक कि जो मैं लेसन बना रहा हूँ इस लेसन के लिए इतनी काफ़ी है। बॉर्डर रिमूव कर दिया, परफेक्ट, सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर वापस पेज पे आते हैं तो देखिए पेज इस तरह से नज़र आ रहा है। तो उससे नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, अब मैंने टारगेट करना है बॉक्स के कंटेनर को। तो बॉक्स का जो कंटेनर है मैं उसको टारगेट करता हूँ। बॉक्स कंटेनर बॉर्डर सॉलिड ग्रीन। इस दफ़ा जो मैंने ग्रीन कलर था मैंने डायरेक्टली उसका जो नेम है वो लिख दिया। नेम्स लिखना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अगर आप कलर चूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट ब्राउज़र जो हैं उनमें मसला आ सकता है। कुछ ब्राउज़र जो हैं वो नेम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि कलर कोड्स आप यूज़ करें, जिस तरह मैं
जब भी स्कूल पे जाता हूँ वहाँ पे कलर पिकर यूज़ करता हूँ, वहाँ पे जो कोड्स जनरेट होते हैं वो जो जनरेटेड कोड्स हैं मैं उनको यूज़ करता हूँ कलर्स के लिए, तो वो अच्छी प्रैक्टिस है असल में। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिख दिया, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल ठीक है। जितना मैं काम अभी कर रहा हूँ इस पर्पज़ के लिए ठीक है, क्योंकि ये बॉर्डर मैं रिमूव कर दूँगा, इसको मैंने रखना नहीं है। ओके, अब अगला काम करते हैं। अब ये जो कंटेनर है असल में, इस कंटेनर की विड्थ पे मैंने काम करनी है, जो कि बॉक्स कंटेनर है वो मैंने कितनी करनी है, उसकी विड्थ ऊपर वाला जो कंटेनर है मैंने सेम उतनी ही करनी है, 87% इसकी विड्थ हो गई, और उसको मैंने सेंटर में भी लेके आना है। मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी जो है वो भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ मार्जिन 0 और 2। जो ग्रीन वाला कंटेनर है वो भी अपनी जगह पे आ गया। अब ग्रीन वाला जो कंटेनर है उसके अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो बॉक्सेस हैं, अब मैंने उनको टारगेट करना है। तो उनको मैंने कैसे टारगेट करना है, बॉक्स और हाइट, कुछ मैं हाइट दे दूंगा 100 पिक्सल्स, विड्थ 250 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर। अब जो बैकग्राउंड कलर रिक्वायर्ड था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, बैकग्राउंड कलर वो डार्क ब्राउन कलर है सब में, तो जो डार्क ब्राउन कलर है मैं उसको W3 स्कूल की वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ। गैस ये वाला ब्राउन कलर है, ठहर मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल ये वाला ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और डार्क ब्राउन कलर आ गया। अब इसकी मैं विड्थ बढ़ा सकता हूँ, बल्कि विड्थ बढ़ाने से पहले मैं इसको फ्लोट कर दूँ, मतलब इस पार्ट को मैं फ्लोट कर दूँ। अगर मैं फ्लोट करता हूँ तो फ्लोट करने पे जैसे मैंने सर्कल्स को साइड बाय साइड रखा था, इनको भी मैं साइड बाय साइड रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे बॉक्सेस हैं वो लेफ्ट साइड पे फ्लोट करके हैं। मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल, ताकि इनके चारों तरफ मार्जिन की प्रॉपर्टी मार्जिन आ जाए, मतलब तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट साइड पर और बॉटम पर मार्जिन आ जाए। अब मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद, बाय द वे, अगर मैं 5 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ तो 5 पिक्सल कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 5 पिक्सल मार्जिन आ गया, और मैं विड्थ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखें तो मेरी एक रो में 3 बॉक्सेज आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरी एक रो में 3 बॉक्सेज आएँ, 3 से ज़्यादा ना आए। 250, अगर मैं 300 कर देता हूँ तो 3 बॉक्सेस आ गए। अब मैं इसका साइज़ आगे फर्दर इंक्रीज़ कर देता हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 55, 54 जो है वो परफेक्ट है, 354 पिक्सल्स विड्थ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे नीचे एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो एक बॉक्स है वो नज़र नहीं आ रहा, वो मिस है। अभी उसको भी देख लेते हैं वो कहाँ गया। 1, 2, 3, 4, 5, एक्चुअली मैंने यहाँ पे 5 बॉक्सेस क्रिएट किए थे, तो मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट, रिफ्रेश, तो ये जो मेरा 6th वाला बॉक्स है वो भी आ गया। अब यहाँ पे भी देखें, जो कंटेनर है ग्रीन कलर का जिसका बॉर्डर है वो श्रिंक किया हुआ इस टाइम पे, और मैंने उसको भी फिक्स करना है जैसे मैंने सर्कल वाली कंटेनर का फ्लोट क्लियर किया था। तो मैं सेम काम यहाँ पे भी वही करूँगा, बॉक्स कंटेनर आफ्टर और कॉमा। अब ये हुआ क्या है, यहाँ पे मैं बॉक्स कंटेनर को भी टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्कल कंटेनर को भी टारगेट कर रहा हूँ, और दोनों को मैंने सेपरेट किए कॉमा के साथ। अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखेंगे सारे का सारा काम फिक्स हो गया। अब ये जो नीचे ग्रिड आ गई है, ग्रिड को थोड़ी सी मैं हाइट दे देता हूँ, यानी कि जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको मैं थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ।
200 पिक्सल्स मैंने हाइट दे दी, मेरे ख्याल से 200 पिक्सल्स बेहतर लग रही है। 200 पिक्सल्स हाइट के बाद अब जो चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है ग्रीन कलर का कंटेनर का, वो मैं रिमूव कर देता हूँ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर रिमूव, बॉर्डर रिमूव कर देने के बाद अब किसकी बारी है, आपके नीचे फुटर की बारी है, मैंने फुटर को टारगेट करना है। तो फुटर का क्या कलर आ रहा है, फुटर का कलर थोड़ा सा लाइट आ रहा है ब्राउन का, तो वो लाइटर शेड जो आ रहा है फुटर का उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, कॉपी कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं फुटर को टारगेट करता हूँ। अभी देखिए फुटर पे मैंने कोई भी हाइट अप्लाई नहीं की है, फुटर पे मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो अभी मैं हाइट सबसे पहले अप्लाई करता हूँ। फुटर हाइट 100 पिक्सल्स, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें नीचे फुटर का पार्ट आ गया। आई गेस मुझे हाइट ज़्यादा अप्लाई कर देनी चाहिए, बल्कि पहले मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूँ फिर हाइट भी अप्लाई करता हूँ। ये नीचे फुटर आ गया, और जो फुटर है उसका कलर थोड़ा सा लाइटर आ रहा है मेरे पास, इसको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी मैं डार्कर टोन यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि ये वाली। थोड़ी सी डार्कर टोन आ गई, अब इस पर थोड़ा सा मैं मार्जिन अप्लाई कर दूँ, मार्जिन टॉप 70 पिक्सल। मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेज है, हमारा जो लेआउट है, वो सक्सेसफुली रेडी हो गया है, ये देखें। अब बेशक जो नीचे फुटर आ रहा है आप उसकी हाइट बढ़ा लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरा काम था जिसमें आपको आइडिया दे सकूँ कि आप डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स कैसे बना सकते हैं। तो ये जो लेआउट मैंने बनाया है इसकी फुल पेज विड्थ है, विड्थ आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि जो लोग स्टार्ट पे ही स्टक रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने काम कहाँ से शुरू करना है, तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ है, वो प्लान कर सकते हैं अपना काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे वो लोग, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो भी डायरेक्टली इस तरह से प्लान करके तो अपना काम कर सकते हैं, आपका काम काफ़ी सारा आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आएगा, और मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।